अस्सलामु अलैकुम जी डॉक्टर नासिर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। आज का जो छोटा सा लेक्चर है वो वंस अगेन इस कंटिन्यूशन ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्टफ मॉडल। जैसे आप देख सकते हो कि टॉप पे लिखा है मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल के बारे में आपको इस हद तक अंदाजा हो ही चुका होगा कि मॉडल इंक्लूड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक must, should, could, would, may, might, right? ये इस तरह की कुछ चीज़। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ दूसरे मॉडल पर फोकस किया था, आज विल जस्ट गो फॉर वन। आज हम विल जस्ट टॉक अबाउट could। ये भी इज वन ऑफ वेरी कॉमन मॉडल, लेकिन इसके इस्तेमाल में भी अक्सर देखा गया है कि काफ़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो वी हैव टू शन ऑल दैट, उससे थोड़ा बचना है किसी तरह। अब लेकिन द फर्स्ट रूल ओवर हियर, जैसे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, इज सब्जेक्ट कोड एंड फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट मीन द पर्सन हु इज डूइंग दैट थिंग, ये आप सब जानते हैं। आगे कोड है, आगे फर्स्ट फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं माजी के लिए, और इसका लिटरल मीनिंग हो गया, यहाँ आप देख सकते हो, सका। फर्ज किया आप कहना चाहते हो कि मैं फलान काम नहीं कर सका, और जनरली स्पीकिंग ये जो कुड नॉट का स्ट्रक्चर है, ये जब हम पास्ट में लें तो ये अक्सर ही नेगेटिव में होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम कुड को पास्ट में इस्तेमाल करें पॉजिटिव एक्सप्रेशन में, पॉसिबल तो है लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट्स इन नेगेटिव। सो मैं वहाँ नहीं जा सका, तो हाउ वुड यू से मैं वहाँ नहीं जा सका? आई सब्जेक्ट कुड, बिकॉज एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, सो नॉट, और जाने को क्या कहते हैं, गो। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई कुड नॉट गो देयर। गॉट इट? एक एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई जैसे आपके सामने, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। फर्ज क्या, मैं कहता हूँ कि मैं फलां चीज नहीं कर सका। आई यहाँ सब्जेक्ट है, परफॉर्मेंस कुड, देन नॉट, और करना जो है डू, उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो एक्सप्रेशन क्या बना, आई कुड नॉट डू दैट, जो कुछ भी है, मैं फलां चीज नहीं कर सका। राइट? हम अक्सर कहते हैं यार आपने फलां काम कर दिया था, तो आप कहते हैं यार वो तो मैं नहीं कर सका। तो मोस्ट ऑफ अस इवन दैट सिचुएशन से के सॉरी आई कैन नॉट इन्फॉर्म और आई, तो ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ होगी। तो हाउ वुड यू से कि सॉरी मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका? सॉरी से स्टार्ट कर लें, स्टिक टू द सेम स्ट्रक्चर, आई कुड, एक्सप्रेशन नेगेटिव में इसलिए नॉट, और फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म, I could not inform. Clear? आप अक्सर कहते हैं यार आपने मेरा पैगाम दे दिया था, कहते हो यार आई डिड फॉरगेट, मैं तो भूल गया। तो अक्सर हम कैसे कहेंगे कि मैं आपका मैसेज नहीं दे सका। ये बज़ाहिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। आई सब्जेक्ट कुड नॉट, अब यहाँ पैगाम देने को हम रूटीन में क्या कहते हैं, कन्वे, राइट? क्या होगा, आई कुड नॉट कन्वे, और आगे उस चीज़ को साथ जोड़ लें जो भी है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कुछ भी है, आई कुड नॉट कन्वे योर मैसेज। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माजी में या प्रेजेंट में? फर्ज किया आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज की जा सकी या नहीं की जा सकी। जैसे आई सेड अर्लियर, इसमें भी आमतौर पर नॉट की एडिशन होती है। फर्ज के वो कहते हैं यार फलां चीज हो गई है, तो इन आंसर मोस्ट ऑफ अस से इट कैन नॉट बी डन, तो इसका तो मतलब ये चीज नहीं की जा सकती। आई एम आस्किंग अबाउट सम थिंग रिलेटिंग टू द पास्ट, तो मैं कह रहा हूँ कि फलां चीज़ हो गई या नहीं हुई,
तो फिर आप अगर फर्ज की ये कहते हो कि फलान चीज ये चीज नहीं हो सकी, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? ये काम नहीं हो सका, नॉट की पोजिशन मैंने गलत लिखती है, नॉट तो ऑब्वियसली यहां आएगा, इट कुड नॉट बी डन, थर्ड फॉर्म ये वाला रूल, इट कुड नॉट बी थर्ड फॉर्म अब डू इज डन, इट कुड नॉट बी डन, इसका ये मतलब नहीं कि ये काम नहीं हो सकता है या नहीं होगा, वी आर सेइंग कि ये नहीं हो सका। अब इसमें अगर थोड़ा गौर करें, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर, ये थोड़ा सा एक्टिव एक्सप्रेशन का वो टाइप दे रहा है, सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव से मुराद ये समझे कि जिसमें परफॉर्मर जो है, सब्जेक्ट जो है, वो एक चीज करता हुआ नजर आता है। और ये जो नीचे हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ऑब्जेक्ट जब भी स्टार्ट माइंड, उसका मतलब होता है कोई एक्सप्रेशन पैसिव है, उसमें सारा जोर किस चीज पे, उस चीज पे है या उस रिसीवर पर है। जैसे हमने कहा ये चीज नहीं हो सकी, इट कुड नॉट बी डन, राइट। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ, आपने फलां बंदे को इतला दे दी, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट यू से कि सॉरी उसको इतला नहीं दी जा सकी, तो इन दैट केस अक्सर लोग इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं, सॉरी ही कुड नॉट इन्फॉर्म। तो इट्स अ हावलर, ये बहुत बड़ी गलती है। हम तो ये कह रहे हैं उसको इत्तला नहीं दी जा सकी, किसी बंदे का बीच में नाम आने का ये मतलब नहीं है कि वो एक्सप्रेशन एक्टिव बन गया, ठीक है। इसमें द होल स्ट्रेस इज ऑन द थिंग कि उस बंदे को इत्तला नहीं दी जा सकी, वी आर फोकसिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन, तो इसकी सही इंग्लिश क्या होगी? उसको सॉरी उससे इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता, सॉरी स्टार्ट कर लो जी, ही कुड नॉट बी इन्फॉर्म, राइट, सॉरी स्टार्ट में आ गया, ही कुड नॉट बी इन्फॉर्म। मैं कहता हूं आपने उस बंदे से कांटेक्ट किया, उससे रब्ता हुआ, आप कहते हैं कि हाँ उससे तो रब्ता नहीं हो सका, सो मैंने फिर से कि ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट, वो तो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट, इसका तो मतलब शायद उस बंदे ने रब्ता करना था और उसने रब्ता नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट। ओवर हियर वी वॉन्ट टू से समथिंग क्वाइट डिफरेंट, हम तो ये कह रहे हैं कि उससे रब्ता नहीं हो सका, तो इंग्लिश क्या होगी फिर? ही कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, कॉन्टेक्ट विद अ कॉन्टेक्ट, ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि वेन वी यूज द वर्ड कॉन्टेक्ट एज वर्ब, तो इसके आगे हम प्रपोजिशन नहीं लगाते, विद वगैरह नहीं लगेगा, ठीक, ही कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड। आगे चलें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज भी माजी की तरफ जा रही है, ये भी माजी की बात थी। अब इनमें देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, मीनिंग का थोड़ा फर्क है, इधर हम कह रहे थे कि फलां चीज नहीं हो सकी, इस स्ट्रक्चर में मीनिंग बनता है कि फलां चीज नहीं हो सकती थी, ये देख रहे हैं आप, ये हो सका का टच और ये सकता था का टच बन गया, फर्ज किया। मैं आपसे कहता हूं कि आपने उससे मुलाकात आपकी होगी, तो आप कहते हैं कि उससे मुलाकात नहीं हो सकती थी या उससे राबता नहीं हो सकता था, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? उससे राबता नहीं हो सकता था, अगर हम इस स्ट्रक्चर को लें तो फिर तो होगा ही कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, द मीनिंग ऑफ इट इज कि उससे राबता नहीं हो सका, तो हम थोड़ी सी बात मुख्तलिफ कर रहे हैं, हमें ये टच चाहिए सकता था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? ये वाला होगा, ये होगा, अगर आप गौर करें ये एक्सप्रेशन असल में ये वर्ड इसके करीब जा रहा है कि उससे राबता नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट हैव बिन कॉन्टेक्टेड। देखें सिंपल सी एग्जाम्पल, अगर आप ये इसको देख लें, मैं कहता हूँ ये चीज की जा सकती थी,
the expression is completely passive में जा रहा है, the whole stress is on that thing. तो हम कहते हैं it, यानी कि वो चीज, could, have been, और आगे third form, done. ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मैच कर रही है. तो फर्ज के इसी बात को मैं थोड़ा सा उल्टा के कहता हूँ. जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो रूल है पैसिव का ताल्लुक इससे, पैसिव मीन्स कि आप उस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, यू लीस्ट कंसर्न हु इज डूइंग दैट. तो फर्ज के मैं कहता हूँ कि वो कॉन्टेक्ट कर सकता था, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, वो कॉन्टेक्ट कर सकता था. ये एक्टिव है पैसिव, दिस वन जाहिर एक्टिव है जिसमें सब्जेक्ट जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आता है. फर्ज के हम कहते वो कॉन्टेक्ट कर सकता था, तो क्या इंग्लिश होगी, ही कुड हैव कॉन्टेक्टेड. बात समझ आ रही, ही कुड हैव कॉन्टेक्टेड. जैसे एग्जाम्पल ओवर हियर इज गिवन, सपोज मैंने कहा कि मतलब मैं वहां नहीं जा सकता था. एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है जाहिर हम, आई कुड नॉट हैव गॉन, मैं वहां नहीं जा सकता था. अब होता ही है कि हम इन रूल्स को जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी सिचुएशन होती है हमने एक्टिव और पैसिव का फैसला करना था, वी जस्ट मिक्स ऑल दैट. फर्ज क्या मैं कहता हूँ, उसके फादर को इन्फॉर्म किया जा सकता था, तो मोस्ट ऑफ अस से हिज फादर कुड हैव इन्फॉर्म. हालांकि इसका मीनिंग तो ये बन रहा है कि उसके फादर इन्फॉर्म कर सकते थे. ओवर हियर हम तो कुछ और कहना चाह रहे हैं कि उसके फादर को इन्फॉर्म किया जा सकता था. स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हिज फादर कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड. ये रूटीन लाइफ में देखा गया कि इस तरह की गलतियां बहुत कॉमन है, राइट. पर क्या मैं कहता हूं कि बच्चे को एनकरेज किया जा सकता था, इसकी क्या इंग्लिश होगी, ये स्ट्रक्चर होगा, ये होगा बच्चा रिसीविंग एंड पर, इससे ये होगा पैसिव डिग्री की बात होगी, द चाइल्ड कुड हैव बीन एनकरेज्ड, राइट, गोडेड वॉट एवर, थोड़ा सा उसको क्या फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि वो बच्चे को एनकरेज कर सकता था. तो वॉट डू थिंक, स्ट्रक्चर ये वाला चल रही है, इसमें सारा स्ट्रेस उस शख्स पे है, एनकरेजमेंट पे नहीं है, वो बच्चे को एनकरेज कर सकता था, ही गुड कुड हैव एनकरेज दैट किड या किड जो कुछ भी है. क्लियर. अब देखिए ये बात भी माजी में है, ये भी माजी में, सर डिफरेंस क्या हुआ कि ये एक्टिव का स्टाइल है, ये पैसिव का स्टाइल, ये एक्टिव का स्टाइल है, ये पैसिव का स्टाइल, वो सारा स्टफ माजी में जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मीनिंग का फर्क है ना. फर्ज क्या मैं कहता हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, तो व्हाट डू थिंक विच वन इनमें से कौन सा, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, तो ऑब्वियसली हम माजी की बात कर रहे हैं, सिंपल आई कुड नॉट रीच देयर, राइट. फर्स्ट क्या मैं कहता हूं, उससे नहीं बुलाया जा सका, तो अक्सर लोग इसका दर्द में यूं कर देते हैं, ही कुड नॉट कॉल, इसका तो मतलब वो नहीं कॉल कर सका. तो एक्चुअली द ट्रांसलेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, ही कुड नॉट बी कॉल. क्लियर. फर्ज क्या मैं कहता हूँ जी, मैं वहां नहीं पहुंच सकता था जी, मैं या वो वहां नहीं जा सकता था, तो इंग्लिश क्या होगी, ये होगी, ये होगी. तो जाहिर है इसमें हम उस बंदे पे फोकस कर रहे हैं कि वो चीज कर फला चीज कर सकता था कि नहीं कर सकता था, राइट. तो वो वहां नहीं जा सकता था, ही कुड नॉट हैव गॉन देयर, राइट. फर्ज क्या मैं कहता हूं, उसे इनवाइट किया जा सकता था, तो इसमें सारा स्ट्रेस किस पर है, उस शख्स पर या उस चीज पर, जाहिर है उस एक्शन पे जोर डाला जा रहा है कि यानी कि जो इनविटेशन का, तो हम कहते उसको इनवाइट किया जा सकता था, इसके लिए लोग अक्सर इंग्लिश करते ही कुड हैव इनवाइटेड, इसका तो मीनिंग है वो इनवाइट कर सकता था. वी वॉन्ट टू से समथिंग डिफरेंट, हम तो कुछ और कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको इन्वाइट किया जा सकता था, तो क्या इंग्लिश होगी, ही कुड have been invited. तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थिंग यू कैन फाइन. ओके,
अब इसमें ये तो तकरीबन रूटीन लाइफ में अक्सर चलती हैं, लेकिन ये जो रूल है छोटा सा कोड को बाद में हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? और इसका मीनिंग क्या होता है, सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, किस चीज़ का इम्कान होना, चांस होना। फर्ज के मैं कहता हूँ, इसमें हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं, पहले हम उस चीज़ को लेते हैं, फिर कर्ड, फिर फर्स्ट फॉर्म। फर्ज के सम किड इज प्लेइंग विद सम क्लेवर विद सम नाइफ, बच्चा खेल रहा है, तो आप अक्सर कहते हैं माई जीतती हो इससे छीन लो, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी कि फलां चीज़ ना हो जाए। और इसमें भी आम तौर पर राइट एक चीज़ की होने की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये नाइफ उसको इंजर कर सकता है, हम ये नहीं कह रहे उसको इंजर कर सका, तो फिर क्या होगा, ये देख लें, द नाइफ कुड इंजर द बेबी या हर। बात समझ आ रही? फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि सिगरेट ना पिया करें, ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, स्मोकिंग से आपको नुकसान हो सकता है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट थिंग, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, इट वुड कुड हार्म यू। फर्ज का मैं कहता हूँ कि आप इस एज में लड़कियों के चक्कर में मत पड़े, निकल आए उससे, इससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, तो आप में अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, हम कहते हैं ये चीज़ आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, तो हम क्या कहेंगे, इट कुड स्पॉइल, आगे वो अल्फाज लगा दे योर लाइफ। ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन इट इज देयर। और कुड जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट या सॉफ्ट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये अक्सर लोग जानते ही हैं, इफ यू वॉन्ट टू आज समझ की यार अब मेरे साथ प्लीज ये काम चल सकते हैं, मेरी